नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी सितंबर के दूसरे सप्ताह में यूरोप के दौरे पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा के आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों पर लगी रोक हटा दी है। राज्य में सत्ता हस्तांतरण के बाद शिंदे फडणवीस सरकार ने महाविकास आघाड़ी का कामकाज निलंबित कर दिया था। मुंबई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक तस्कर पकड़े जाने के डर से करोड़ों की कोकीन निकल गया। तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसके पास से कोकीन जब्त की गई थी। DRI ने तस्कर के पास से 7.85 करोड़ की कोकीन जब्त की। महाराष्ट्र में नागपुर की पुलिस ने BJP नेता सना खान की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि सना खान की हत्या उसके कथित पति ने की है। पुलिस ने जबलपुर में ढाबा संचालित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुणे ISIS मॉड्यूल मामले में NIA को एक और सफलता हासिल हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को विदेशी आतंकी संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा देने में सक्रिय भागीदारी के लिए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से हराते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सनी देओल की गदर 2 को ओपनिंग डे पर ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। हालांकि ये फिल्म अपने पहले दिन शाहरुख खान के पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने देशद्रोह कानून को लेकर गृहमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार की DRDO के वैज्ञानिक प्रदीप पुरंदकर को बचाने के लिए देशद्रोह कानून हटा रही है। उन्नाव जिले में CM योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाले सुरेश ठाकुर की गुरुवार शाम मौत हो गई। सुरेश की पत्नी ने गांव के लोगों पर पीटकर जान से मारने का आरोप लगाया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।